जमुना में डूबने से भी जान बचाए थे। अकबर इनके ऊपर मेहरबान हो गए जब बादशाह बने। अकबर जो है इनको गवर्नर बना दिए, ऐसा बना दिए कि बिहार यूपी बिहार जयपुर और दिल्ली का गवर्नर बना दिए। ये जो है मनमानी करना शुरू कर दिए। लास्ट में अकबर अपने सेनापति को भेज दिया। भेजने के बाद से 64 दिन तक युद्ध चला, इसलिए 64 खंबा इनके नाम से बना दिया। इसमें 64 खंबे हैं जी, और 64 खंबे के ऊपर 25 बुर्ज बना हुआ है, टॉम बना हुआ है। अच्छा, ये टॉम जो है ये पिलर के ऊपर खड़ा। अच्छा, अब देखिए मिर्जा गालिब जी देखिए जी। मिर्जा गालिब जी का जन्म आगरे में हुआ 1797 ईस्वी में। 13 साल की उम्र में दिल्ली पहुंच गए जी, बली महारान में रहने लगे। बली महारान में रहने के बाद से 12 साल के लड़की के साथ शादी कर दिया गया। अच्छा। उस लड़की का नाम था बख्श खान की बेटी उमराव बेगम। उमराव बेगम, उमराव बेगम को 7 बच्चे हुए थे, 7 बच्चे का कब्र यहीं पे है। अच्छा, बख्श खान जी का कब्र वहीं पे है। अच्छा, उसके बाद से गालिब साहब मरने से पहले एक शायर लिखे हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता तो मैं क्या होता। बिल्कुल। फिर 1869 में अपने भी चल बसे। बाहर ये सब कब्र को देखिए, बहादुर से जफर का नाम आप सुने होंगे जी जी। बहादुर से जफर के सभी परिवारों को लाल किले में कत्लेआम कर दिया जी। बहादुर से जफर अपने परिवार को लाके यहाँ दफना रहे थे। ब्रिटिश के जवान आया पकड़ने के लिए, पकड़ करके इनको रंगून लेके चले गए। अच्छा। तय खाने में बंद कर दिया और 4 महीना तक उनको कैद रखा और 4 दिन तक उनका लहास